प्रेशर स्टार्ट किया था और प्रेशर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि प्रेशर क्यों एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, इसलिए प्रेशर एग्जिस्ट करता है। और पास्कल लॉ तक हमने कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो पेज नंबर 5 प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम से है। तो हम ये डिस्कस करेंगे इसमें कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम के अंदर, अगर आपके पास एक लिक्विड है और ये लिक्विड जो है इस कंटेनर के अंदर है और हाइट ऑफ लिक्विड h है, एरिया बेस का a है, तो ये देखना चाहते हैं कि बेस पे कितना प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर होता क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसमें फोर्स क्या लग रही है? जितना वेट है लिक्विड का। तो लिक्विड का वेट कितना है? लिक्विड का वेट है मास ऑफ लिक्विड इंटू जी। मास को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वी रो जी। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया, एरिया इंटू हाइट। ये इसका वॉल्यूम है, एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो ये क्या आ गया? वेट आ गया। वेट का मतलब फोर्स आ गई। फोर्स को एरिया से डिवाइड किया तो क्या आ गया? प्रेशर आ गया। करेक्शन करो, ये पी नहीं है, ये रो है, एच रो जी। इसको करेक्शन करो, एच रो जी करो, पी नहीं है वो। ओके, तो प्रेशर लिक्विड कितना लगाएगा बेस के ऊपर? एच रो जी। हमने लास्ट टाइम ये फॉर्मूला यूज भी किया था अगर आपको याद होगा, एच रो जी, और काफी बार पहले भी यूज हुआ है एच रो जी। और मैंने हमेशा कहा कि हम प्रेशर चैप्टर में देखेंगे ये फॉर्मूला कहां से आता है। तो अगर जितनी ज्यादा लिक्विड की हाइट ऊपर उठती जाएगी, एच बढ़ता जाएगा, प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। नेक्स्ट है, प्रेशर आप चेक कर सकते हो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जी, स्मॉल जी की वैल्यू इसमें कंसिडर की जाती है। तो अगर स्मॉल जी नहीं होगा किसी पॉइंट पर या किसी भी जगह पर, ऐसे जगह पर आप कंटेनर ले गए जहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पर फिर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहां ग्रेविटी नहीं है वह पानी का बाहर कैसे आएगा? पानी तो उड़ रहा होगा, उल्टा ग्रेविटी नहीं है, खींचेगा कौन पानी को? तो कोई प्रेशर नहीं होगा, राइट? तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्लियर है। तो इसी के ऊपर एक और टॉपिक है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जो बता चुका हूं कि जी का इफेक्ट तो है ही है। तो इसके लिए काम करेंगे, एक लिक्विड लेंगे, एक लिक्विड के अंदर दो पॉइंट्स लेंगे। पहला पॉइंट लेंगे ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट लेंगे बी पॉइंट। ये ऐसा नहीं है कि एक सिलेंडर रख दिया इस पानी के अंदर, हमने इस वॉटर, पूरे वॉटर का एक पोर्शन कंसिडर किया। ये पोर्शन है जो कि सिलेंड्रिकल इन शेप है, ये अलग से सिलेंडर नहीं है, ये सिलेंड्रिकल वाटर का कॉलम है जो हमने इसमें कंसिडर किया, ठीक? तो एक सिलेंड्रिकल वाटर का कॉलम है। हम एक पॉइंट लेते हैं ए यहां पे, एक पॉइंट लेते हैं बी यहां पे। तो ए पॉइंट के ऊपर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो इसका ए है, ए पॉइंट के ऊपर लिक्विड क्या लगाएगा इसके ऊपर? फोर्स। ऐसी बी पॉइंट के ऊपर लिक्विड क्या लगाएगा? फोर्स, क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं हर तरफ फोर्स लगाते हैं। तो वो ए पॉइंट पे भी फोर्स लगाएंगे और वो बी पॉइंट पे भी फोर्स लगाएंगे। तो ए पॉइंट पे फोर्स लग रही है, बी पॉइंट पे फोर्स लग रही है, और वेट इस पोर्शन का कितना है वर्टिकली डाउनवर्ड? कितना? एमजी। तो अब इस केस में आप एक चीज देखो कि ये लिक्विड ही है बेसिकली, लिक्विड का पोर्शन लिया मैंने सिलेंड्रिकल, ये लिक्विड का पोर्शन रेस्ट पे है। और अगर ये रेस्ट पे है लिक्विड, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स।
तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में ना तो ये लिक्विड लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बिल्कुल रेस्ट पे है, तो नीचे की तरफ फोर्सेस कौन सी है mg और साथ में क्या है F1, और ऊपर की तरफ फोर्स कौन सी है F2। तो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या मैं ये बोल सकता हूं F1 plus mg is equal to F2। तो F1 नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ क्या F2। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो F1 plus mg is equal to F2, ठीक। तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे चेक करो, तो ये लिखा हुआ है F1 plus mg is equal to what F2। अच्छा फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। मान लो इस जगह पे प्रेशर कितना लग रहा है P1 और एरिया कितना है A plus mg is equal to, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना लग रहा है P और एरिया कितना है A, और प्रेशर इनटू एरिया प्लस मास, इसका मास कितना है? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g। क्या हम ये ऐसा लिख सकते हैं P2 इनटू एरिया, और वॉल्यूम इस पोर्शन का कितना है एरिया इनटू हाइट। तो यहां पर P1 इनटू A प्लस वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू हाइट इनटू रो इनटू g इज इक्वल टू P2 इनटू एरिया, एरिया एरिया कैंसिल। तो यहां से P2 माइनस P1 की वैल्यू क्या आ गई h रो g। तो P2 माइनस P1 इज h रो g। तो यही किया हुआ इस असाइनमेंट के अंदर, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू h रो g। कहने का मतलब कि आपके पास अगर एक लिक्विड का कॉलम है, ये लिक्विड है और यहां पर दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बी पॉइंट है, बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू ए पॉइंट। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट के ऊपर लिक्विड कॉलम बहुत ज्यादा है, ए पॉइंट के ऊपर लिक्विड कॉलम थोड़ा कम है। तो बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा ए से, कितना ज्यादा लगेगा एच रो जी। तो एच रो जी बेसिकली है क्या? एच रो जी दो पॉइंट्स का प्रेशर का डिफरेंस है। तो दो पॉइंट्स लिए मैंने बी और ए, तो पी टू माइनस पी वन की वैल्यू क्या आती है मेरे पास एच रो जी। कोई डाउट इसमें? तो प्रेशर, प्रेशर का डिफरेंस लिक्विड के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स हैं वहां पर प्रेशर का डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट एच रो जी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, इज इक्वल टू एच रो जी। तो इसका मतलब मैंने ये भी बताया कि अगर जहां पर ग्रेविटी की वैल्यू जीरो है वहां पर प्रेशर का डिफरेंस भी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इससे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, उनमें से पहला पॉइंट ये डिस्कस किया हुआ है कि द लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल या सेम डेप्थ। तो पहला पॉइंट ये बताता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, सपोज अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें ये लिक्विड है और आपने इमेजिन करो ये कुछ पॉइंट्स लिए, ये पॉइंट्स लिए, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि अपर सरफेस से एच डिस्टेंस पे हैं, ये एच डिस्टेंस पे हैं, तो प्रेशर की वैल्यू यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लिक्विड की वजह से एग्जैक्टली क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि एच हाइट पर पॉइंट्स हैं तो प्रेशर क्या रहेगा इन पे? सेम रहेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। सेकेंड पॉइंट है प्रेशर एट एनी पॉइंट इन साइड अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन डेप्थ एच। ये भी बता दिया कि जितनी ज्यादा डेप्थ एच होती जाएगी प्रेशर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। थर्ड पॉइंट है द एब्सोल्यूट प्रेशर पी एट अ डेप्थ एच बिलो द लिक्विड सरफेस ओपन टू द एटमोस्फेयर इज ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर बाय एन अमाउंट ऑफ एच रो जी। इस पॉइंट को कैसे समझा रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से देखना। देखो सपोज ये आपके पास एक लिक्विड है, ठीक, कंटेनर में लिक्विड है। लेट अस सपोज ये एक पॉइंट लिया मैंने ए, यहां पर ऊपर क्या है एयर है, एटमोस्फेयर है। तो एटमोस्फेयर के हिसाब से अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर एक्स लेता हूं हवा में, तो इस पॉइंट पर पता है कितना प्रेशर है पी एटमोस्फेयर। तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है पी एटमोस्फेयर, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर हर पॉइंट पर क्या लगाता है प्रेशर। ए पॉइंट पे प्रेशर बोलो कितना है, सरफेस के ऊपर है लिक्विड के, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर भी पी एटमोस्फेयर? वो क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई पानी का पार्टिकल तो है नहीं, पानी का पार्टिकल नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है, इसके ऊपर जब पानी नहीं है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा।
तो जितने मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर होते हैं लिक्विड के, उनके ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर ही लगता है। सपोज मैं नीचे चला जाता हूं पॉइंट बी पे, और बी पॉइंट पे ए पॉइंट से हाइट क्या है, एच, तो कोई बताएगा कि बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट से ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि लिक्विड का कॉलम है ऊपर, तो कितना ज्यादा होगा? अभी पिछले पॉइंट में हमने किया, प्रेशर डिफरेंस कैसे निकलता है, पी बी माइनस पी ए विल बी इक्वल टू वॉट, एच इन टू वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एच रो जी, कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर प्रेशर एट पॉइंट बी माइनस ए पॉइंट का प्रेशर क्या है, पी एटमोस्फेयर इज इक्वल टू एच रो जी। तो बी पॉइंट का प्रेशर इज एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो बी पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब इस पॉइंट का प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस नहीं, इस पॉइंट का प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो होगा ही होगा, साथ में लिक्विड का जो प्रेशर एड होगा एच रो जी वो भी होगा। कोई डाउट इसमें? तो आपके सामने ही है, मैंने प्रेशर डिफरेंस निकाला पी वी माइनस पी ए, प्रेशर का डिफरेंस क्या है एच रो जी, तो पी बी माइनस पी एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू एच रो जी, तो पी बी इज इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये आपके पास प्रेशर की वैल्यू आएगी एट पॉइंट पी, ठीक। तो इस पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है कि बी पॉइंट का प्रेशर जो है वो एच रो जी तो होगा ही होगा, साथ में एटमोस्फेरिक प्रेशर भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन या बेस एरिया ऑफ द शेप ऑफ द वेसल। मतलब कि अगर सपोज करो आपके पास ये एक वेसल है जिसमें लिक्विड की हाइट एच है, आपके पास ये एक वेसल है जिसमें लिक्विड की हाइट एच है, आपके पास ये एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड की हाइट एच है, आप जैसी मर्जी शेप ले लें, यहां का जो प्रेशर है, यहां का जो प्रेशर है और यहां का जो प्रेशर है, यहां अगर प्रेशर पी एटमोस्फेरिक है पूरे टॉप मोस्ट सरफेस पे, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, अभी डिस्कस किया, तो यहां पर भी पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, यहां पर भी पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, राइट। तो इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, जैसी मर्जी शेप ले लें कोई फर्क नहीं, आपको जो प्रेशर की वैल्यू यहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप वो एग्जैक्टली सेम ही लगती है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? जबकि ये एक बहुत जबरदस्त पैराडॉक्स है जिसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। ऐसा वहम हमें ऐसा लगता है कि अगर हम शेप चेंज करेंगे तो प्रेशर बॉटम पे चेंज होगा, तो ये जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, पास्कल ने ही एक्सपेरिमेंट किया था, ये नीचे मशीन लगाई प्रेशर को मेजर करने की, उसने कंटेनर्स की शेप चेंज की, किसी में ऐसी शेप है, किसी में सीधी है, किसी में टाइट शेप है, और हाइट लिक्विड की तीनों कंटेनर्स में क्या रखी, एग्जैक्टली सेम, तो उसने देखा प्रेशर तीनों में एग्जैक्टली क्या आया, सेम, जबकि ऐसा लगता नहीं था लेकिन होता यही है, ठीक। ऐसा क्यों होता है ये थोड़ी देर में मैं आप कुछ डायग्राम से आपको समझाऊंगा, बट ये पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स मतलब ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो प्रेशर की वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप सेम ही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रेशर को लेकर डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर ये आपके पास लिक्विड है और दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है।